मैं अंदर गया तो जो जियो की एड है जिसका पूरा इशू है जो चलाती है मालिक जो है उन्होंने बोला कि आपको पता 15 मिनट में कितने वोट्स आए आपको, मैंने बोला कितने वोट्स आए, 280 मिलियन। हेलो, मेरा नाम है नोमैड। तो आप लोगों को कल पता ही क्या हुआ, एल्विस भाई जीत गया। उनके जीतने के बाद ही उनके फैंस ने जो ट्विटर का सिस्टम हैंग कर दिया। सोचो मत, कल एल्विस भाई ट्रेंड में थे, पर उसी के बाद फुकरा इंसान के फैंस ने ट्विटर पे एक और ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि अभिषेक इज द डिजर्विंग विनर। और उसके बाद 1900 पोस्ट के नीचे एल्विस आर्मी कमेंट करने लगी, अब रो, हाँ हाँ अब ऐसे ही करो। और कोई कोई तो ये लिख रहा था भाई हार गए एक्सेप्ट कर लो, पर भाई क्या करे, फैंस है उनके लिए तो वही डिजर्विंग रहेगा जिनके वो फैन है। जैसे कि क्रेजी दीप ने कल एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, फुकरू भाई आई मस्ट से आप डिजर्विंग विनर हो और आप बहुत अच्छा खेले। उसी के नीचे भाई को एल्विस आर्मी की तरफ से अलग अलग तरह के कमेंट आने लगे और उसमें कुछ अच्छे थे कुछ बुरे भी थे। तो भाई अब मैं दोनों के फैंस को कहना चाहूंगा, जो डिजर्विंग था वो विन हो गया। अब एल्विस आर्मी के बंदे पांडा गैंग को ट्विटर पे ऐसा कहां है भाई, कहां है, कहां मिल जाए पांडा गैंग के बंदे की उनको सुनाओ, ये वाला हरकत मत करो, शांत हो जाओ, जीत गया जो जीत गया, ट्रॉफी आ गई यूट्यूब कम्युनिटी में। और इसी के बाद बात करते हैं एल्विस भाई के दोस्तों के बारे में, तो भाई वो लोग एल्विस भाई के जीतने के बाद रोने लगे, खुद ही देख सकते वीडियो में। तो चलो इसके बाद वो वीडियो देखते हैं जिसमें फुकरा भाई के फैंस एल्विस का विन होना मान ही नहीं रहे थे और बोल रहे थे ये गलत डिसीजन। टॉप थ्री जर्नी के हिसाब से बोलूं तो पहले मैं अभिषेक को रखूंगा और मनीषा को, वो 195 पकड़ लो, और फिर मैं बेबिका को रखूंगा और फिर एल्विस को। लेकिन उसका फैन बेस इतना जो मजबूत है ना, इसी की वजह से वो जीता है और कोई नहीं। पर ठीक है भाई, हम तो सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट करेंगे। ओके नवनीत, हाँ हेलो, हाँ बोले, हाँ खबरी भाई मैं बोल रहा हूँ कि इंटरमोल क्या क्या सेट करना चाह रहा है कि अगले बार एमसी स्टैन, इस बार एलबी से अदब, सिर्फ फैन बेस पे ही, मतलब जिताना तो पहले दिन ही जिता दिया जाए, सिर्फ फैन बेस पे ही जिता रहा है दो साल से, तो यही हो रहा है। क्योंकि अगले साल भी शिव ठाकरे और प्रियंका चौधरी दोनों एकदम डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी, लेकिन फिर भी एमसी स्टैन इस साल एलबीसी यादव, कौन सा एलबीसी यादव काम किया, समझ नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, देखो यहाँ पे ना बिग बॉस अगर शो अभी है, थोड़ा माइक म्यूट करवाना है, बिग बॉस अगर अभी इंडिया का नंबर वन, थोड़ा सा मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, उसके बाद बोलना है ना सब। बिग बॉस शो अगर इंडिया का नंबर वन शो है वो इसीलिए है, यहाँ पे जो वोटिंग्स है बहुत फेयर होती है, यहाँ पे मेकर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हो कि मेकर्स वोटिंग्स को साइड पर रखते, चीटिंग करके सीधा उसको विनर बना दे, जो उनकी मर्जी से हो, जिसका कंटेंट दिया शो में, अगर वैसा वो करेंगे तो फिर तब उस हिसाब से बेबिका को आपको ट्रॉफी देनी पड़ेगी ना। आप कैसे बोल सकते हो कि फुकरा इंसान ही जीतना चाहिए या मुनीषा राणा ही जीतना, बेबिका का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भले ही नेगेटिव रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन उसने भी दिया है शो में। तो वोटिंग्स की बेस पे आपको चाहिए विनर या नहीं चाहिए, पहले तो ये एक डिबेट होना चाहिए। अगर आपको वोटिंग की बेसिस पे नहीं चाहिए, कंटेंट की बेसिस पे चाहिए, तो फिर आपको एटलीस्ट टॉप थ्री में फिर बेबिका को डेफिनेटली रखना ही रखना पड़ेगा। तो देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये एक जनता का शो है, बिग बॉस शो चल ही इस पर बहुत ये फेवरेटिज्म करते हैं, बहुत बायसनेस करते हैं, नॉमिनेशन एलिमिनेशन ऑलमोस्ट प्लान्ड होते, लेकिन ये शो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है, ऑडियंस का इस शो पे भरोसा है कि